भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। वेस्ट इंडीज से जीत के बाद सामने आया रोहित का बड़ा बयान। भारत ने तीसरे टी20 में विंडीज को 7 विकेट से हराया। तीसरे मैच के दौरान रोहित शर्मा हो गए थे चोटिल। रोहित के कमर की मांसपेशी में खिंचाव। तीसरे मैच में रोहित रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। रोहित ने बताया कि आगे के मैचों में समय है, इंजरी ठीक हो सकती है। रोहित ने बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में विराट के सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट ने यह उपलब्धि तीसरे मैच के दौरान हासिल की। इस मैच से पहले रोहित और कोहली के खाते में 59 छक्के थे, लेकिन रोहित ने तीसरे मैच में 1 छक्का लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को आखिरी टी20 मैच में 10 रनों से हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिम्बाब्वे की टीम बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। आगे जिम्बाब्वे को भारत से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगा। ये मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच 5 अगस्त को खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला बारबाडोस के साथ है। ये मैच जीतकर भारतीय टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर जगह पक्की करना चाहेगी। ये मैच रात 10:30 बजे खेला जाएगा। भारत को बैडमिंटन मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में मलेशिया के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन मिक्स्ड इवेंट में भारत को रजत पदक मिला, मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह 17 अगस्त को रायपुर में घाना के एलियासु सुले के खिलाफ रिंग में वापसी करेंगे। विजेंदर का ये अपने देश में 6ठा पेशेवर मैच होगा। ये मुकाबला बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में आयोजित होगा। विजेंदर इस मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।